Hey friends, welcome to my another new vlog. आज मैं और मेरी हस्बैंड आए हुए हैं विपुरी वाटरफॉल जो कि है विपुरी रोड स्टेशन में। विपुरी मुंबई में लोकेटेड ही एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ का व्यू देख के लगता है जैसे स्वर्ग में पहुँच गए हैं। सिर्फ 40 रुपीज़ में आप यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं एक दिन के लिए। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ आने का कॉस्ट कितना है, यहाँ खाना वगैरह कहाँ कुछ मिलता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। अब हम आ गए हैं विपुरी रोड स्टेशन पे। विपुरी रोड स्टेशन सेंट्रल रेलवे लाइन पे लोकेटेड है। यहाँ पे जाने के लिए आपको दादर से फर्स्ट लोकल मिल जाएगा। दादर से विपुरी रोड स्टेशन आने में डेढ़ घंटा टाइम लगता है। ट्रेन से उतर के आगे ईस्ट की तरफ जाना है, इसलिए रेल लाइन क्रॉस करना पड़ता है। इसके बाद उस तरफ ऑटो स्टैंड से ऑटो पकड़ना है और ऑटो का भाड़ा 30 रुपीज़ लगता है पर पर्सन। ऑटो से उतर के पैदल जाना पड़ता है विपुरी वाटरफॉल तक। पैदल जाने में या ट्रेक करके जाने में 30 to 35 मिनट्स लगता है। विपुरी एक गांव जैसा ही हिल स्टेशन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे आप वाटरफॉल की करीब जाओगे आपको बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेगा। यहां से और आगे जाने से आपको लोकल लोगों के घर मिल जाएंगे जहां आप चेंज कर सकते हैं वाटरफॉल में नहाने के लिए। और यहाँ लोकल लोग ही छोटे छोटे फूड स्टॉल में बड़ा पाव भुट्टे बेचते हैं, तो आप यहाँ से ही खा सकते हैं। यहाँ का नेचर व्यू देखने लायक है, बहुत सुंदर है ये प्लेस। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है मॉनसून पे, जुलाई से सितंबर महीने तक। रास्ते में जाते वक्त आप देखेंगे कि वाटरफॉल के पानी बहते हुए गांव तक चला गया है। अब हम वाटरफॉल के बहुत करीब आ चुके हैं, आप देख ही सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है। फाइनली विपुरी वाटरफॉल हम आ चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल है। हम जिस दिन आए थे वो वीकेंड नहीं था, नॉर्मल डे था, इसलिए थोड़ा भीड़ कम था, तो हम खुल के एंजॉय कर पाए थे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर यहाँ आए तो नॉर्मल डे पे आए, वीकेंड पे ना आए, क्योंकि वीकेंड पे बहुत भीड़ होता है। वाटरफॉल के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर रहने की वजह से यहाँ बहुत स्लीपरी रहता है, इसलिए बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत इंजॉय किए थे यहाँ आकर, बहुत मज़ा आया था। आप लोग भी घूम के आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आऊँगी और एक नए वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।